पठानकोट शहर के रेलवे स्टेशन गेट के पास पड़े खड्डे से स्थानीय दुकानदार व राहगीर बहुत परेशान हैं। इस खड्डे से आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। दुकानदारों ने जानकारी में बताया है कि इस मार्ग से विधायक सहित कई बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं, परंतु किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। लोगों ने इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। मेरा एस के गुप्ता नाम है, तो गुप्ता रेडियो आवाज कंपनी के बाहर टोया पिया था, तो ये कोई किसी भी टाइम से दुर्घटना हो सकती है, इस करके इन ठीक किया जाए। नहीं वो तो सारे तो लंघते ने, उन्होंने सब पता है, वो एम एल ए साहब भूतपूर्व एम एल ए भी लंघते, सारे लंघते ने, इन्ह सारे पता तो होंगे। ये मैं क्या जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, और की है और सू की मसला की है, ये कोई दुर्घटना तो बाद ठीक करोगे तो फायदा, इस करके जल्दी तो जल्दी ठीक किया जाए। मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। इस समस्या की कोई बस गड्डी का टायर पैन दिया, कोई उलटन दिया, कोई स्कूटर डिगन दिया, सवेरे दो डिगे ना सवेरे अच्छे मोटरसाइकिल गुजर जाने वो बिच पे ना पानी चलता पे लभदन टोया भी है कि नहीं, कोई रोज़ का रोज़ कोई ना कोई पिया ही होंगे इस टोई की इन्नी समस्या से। मंग है टोया ठीक होना चाहिए, होर की चाहिए, सू रोड थोड़े सड़क ठीक होने, मतलब आज कोई बुजुर्ग ही पाए कि उठे अगर तो ये बड़े चिर की समस्या आई नहीं, मैं साल ही हो गए, कई बार इतने रोज़ लंघते एम एल एम एल ए सारे लंघते, इतों कोई भी नहीं देखता, इतने टोए लगे गड्डी खिला के चल पाए अगर जल्द भी आता नहीं, कोई टो किसी दिखता, कई आते रोज़ लंघते इतों शहर तक, कई सारे दुनिया लंघे गड्डी है, अं भी जाना तुम भी जाना, लोगों भी जान लिया, दो सारे मोटरसाइकिल गुजरा नहीं डिगे ना अच्छे। प्लस टू तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता, कारोबार में हो रहा घाटा आदमी परेशान तो होगा ही। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।